कैसे हैं सारे, जरूर बताइएगा। मैं हूँ आप लोगों की माउंटेन फेरी, और जो आज की वीडियो होगी वो चेस्टनट के ऊपर होगी, जिसे शाहबलूत भी कहा जाता है। और किन्नौर में पहले पहले तो बहुत ज़्यादा पेड़ हुआ करते थे, सभी के पास एक आध पेड़ तो होते ही होंगे, लेकिन अब लोगों ने कट कर दिया है। लेकिन फिर से चेस्टनट डिमांड में आ रहा है, क्योंकि लोगों को इसकी अहमियत अब पता चल रही है, क्योंकि ये कितना ज़्यादा हेल्दी ड्राई फ्रूट है। तो आज इसी के ऊपर हम वीडियो शूट करेंगे। तो ज़्यादा देरी न करते हुए करते हैं वीडियो को शुरू। चलिए, गाइज रास्ते में चलते चलते हमें अनार भी दिख गए हैं, और इस बार अनार की फसल बहुत कम है, तो कुछ एक आध लगे हुए हैं। मैंने सोचा निकाल लूं, नहीं तो इन पे भी चिड़ियों का ही अटैक रहेगा, तो निकालते हैं। दोस्तों केसर भी देखिए, यहाँ पर खिलने स्टार्ट हो गए हैं। ये देखिए एक आध बीच में खिल रहे हैं, और कुछ अभी खिलने बाकी है। इसे मैं तोड़ती हूँ। केसर वाली वीडियो तो आप लोगों ने देख ली है कि किस तरीके से इसे तोड़ना होता है और इसे किस तरीके से सुखाते हैं। दोस्तों इस बार जो चेस्टनट का साइज़ है वो काफ़ी बड़े बड़े हैं। देखिए यहाँ पर सारे एक साइज़ के हैं, काफ़ी बड़े बड़े। ये देखिए, वरना तो लास्ट ईयर तो काफ़ी छोटे छोटे थे, लेकिन इस साल काफ़ी बड़े हैं। ये देखिए, यहाँ पर साथ साथ में बिच्छू बूटी भी उगी हुई है। देखिए इससे भी हाथ जल रहा है बहुत ज़्यादा, और इसके कांटे भी हाथ जला रहे हैं। और ये रुबेनिया का पेड़, इससे भी कांटे हैं, सब जगह कांटे ही कांटे हैं यहाँ पर। देखिए यहाँ
यहाँ पर परसिमंस भी अब पकने स्टार्ट हो गए हैं, अभी कुछ हफ्ते लगेंगे इसे, ऑरेंज ऑरेंज सा तो हो रहा है ये, लेकिन अंदर से अभी पका नहीं होगा, रास्ते में ही मिल गया ये। गाइस यहाँ देखिए, दिख रहा है आप लोगों को कीवी भी। अब कीवी के लिए तो वैसे काफ़ी टाइम है, नवंबर एंड में जाकर पकेंगे ये, तो इस बार भी पिछले बार की जितना ही फसल है, ज़्यादा नहीं कम नहीं, ठीक ठीक ही है। रास्ते में हमें अंगूर भी मिल गए हैं, और अब अंगूर ख़त्म होने लग गए हैं, ये सीज़न का लास्ट अंगूर है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ देखिए। देखिए राजमा सुखाया हुआ है, आजकल राजमा का भी सीजन चल रहा है साथ साथ। आप लोगों को पता है मुझे नई नई रेसिपीज़ ट्राई करना कितना पसंद है, तो आज की जो नई रेसिपी है वो है चेस्टनट चॉकलेट बॉल्स, जो कि बहुत ही आसान रेसिपी है, आप लोग मिनटों में तैयार कर सकते हैं ये। तो सबसे पहले हमें चेस्टनट को ऊपर से कट करना पड़ेगा बॉईल करने के लिए, अगर इसे ऐसे कट नहीं करके लगाते हैं तो ये ब्लास्ट होने का खतरा रहता है। तो अब मैं आगे आप लोगों को दिखाते जाऊंगी कि मैंने क्या क्या ऐड किया है इसमें, तो करते हैं शुरू। चलिए फिर बना रहे हैं रोटियां, और जो बाहर का नज़ारा है गाइस देखिए, मैरीगोल्ड खिल चुके हैं और दूसरे वाले फूल ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुके हैं, और बारिश की वजह से सारे फूल नीचे गिर गए यहाँ पर, ये देखिए
मैरीगोल्ड ही मैरीगोल्ड है। और सामने करेले, इस बार हमने करेले की सब्जी बहुत ज़्यादा खाई, बहुत ही ज़्यादा। ये जा रहा है जुग सिंह। और मैपल ट्री के पत्ते भी अब पीले पड़ने स्टार्ट हो रहे हैं, और स्नो वहाँ से छुप कर देख रहा है। स्नो स्नो भाग गया अब तो। गाइस देखिए, अब स्नो किचन के दरवाजे के बाहर आएगा दौड़ते हुए, तो ये मैं दरवाज़ा खोलने जा रही हूँ। और ये आ गया स्नो, और ये टाइसन ऑलरेडी यहाँ मौजूद था। स्नो, और यहाँ पर मुझे एक लेटर भी मिला है जो कि एक मेरे सब्सक्राइबर ने केरला से सेंड किया था मुझे, जो कि नाम में मुझे ना थोड़ा समझ नहीं आया कि नाम क्या है, सुनी था पता नहीं क्या नाम है। तो प्लीज़ आप कमेंट करके बताइएगा ये कि लेटर किसने भेजा है। और थैंक यू सो मच, आप लोग इतना प्यार करते हैं, मैं जब लेटर देखा हैरान हो गई, तो उसके लिए शुक्रिया। थैंक यू थैंक यू। और प्लीज़ अपना नाम बताइएगा मुझे कमेंट में, क्योंकि मुझे समझ नहीं आया ये सुनीता लिखा हुआ है क्या लिखा हुआ है, तो आप ज़रूर बताइएगा यहाँ पर। और मम्मी के लिए भी प्यार भेजा हुआ है, थैंक यू। तो गाइज ये हमारा टमाटर वाला खेत था, और इसमें ये देखिए वाइल्ड फ्लावर्स उग गए हैं, कितने सुंदर। तो मुझे लगा कि ये आप लोगों को दिखाना बनता है, कितने सुंदर लग रहे हैं। तो अब हम बात करते हैं चेस्टनट के फ़ायदे। तो चेस्टनट के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं, इसमें भरपूर मात्रा में विटामिन सी पाया जाता है, मैग्नीशियम पोटाशियम आयरन बहुत ज़्यादा पाया जाता है, और ये हमारे हार्ट के लिए भी अच्छा है, ब्रेन के लिए भी अच्छा है, इम्यून सिस्टम बूस्ट करता है, और आपको कब्ज़ है तो वो भी आपको हटा देगा। बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद फ्रूट है, और आप लोग भी ज़रूर सेवन करें इसका। और आप लोगों को मैंने चेस्टनट चॉकलेट बॉल्स के बारे में बताया कि किस तरीके से बनाना है, बहुत ही ज़्यादा इजी रेसिपी है, बच्चों को तो बहुत ज़्यादा पसंद आएगा, ऐसे नहीं तो ऐसे तो खा ही लेंगे बच्चे, तो आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा वो भी। और आप लोगों को ये वाला व्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नए व्लॉग में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।